नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 3 मई को देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी यहाँ स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। कल गुरुवार को मणिपुर में उग्रवादियों की फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव से भागे लोगों ने कहा कि सेना ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो कुकी उग्रवादियों को नागरिकों पर गोलीबारी नहीं करने देंगे। उग्रवादी ग्रामीणों पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की तो उग्रवादियों को अपनी गाड़ी छोड़कर फरार होना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी से हथियार और गोला बारूद बरामद किए। 3 मई से देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी यहां स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। कई राज्यों में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच है तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। सभी पार्टियों ने अलग अलग राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है। वहीं इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि गुरुवार 12 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर के चर्चा की। कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इनमें कुछ प्रमुख चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। गुरुवार को हुई CEC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तेलंगाना के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे आखिर में आने की संभावना नजर आ रही है। देश में टॉप टेक्नोलॉजी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नया वर्जन जल्द ही आ रहा है। भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अगले साल लॉन्च करने की योजना बनाई है। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कंफर्ट और सेफ्टी के लिहाज से काफी बेहतर होगी। कहा जा रहा कि ये विमानों के क्रेश को भी कम कर देगी। खूबी के मामले में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेनों में एक होगी। ये ट्रेन भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। अपग्रेड ट्रैक के साथ ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और जर्नी टाइम को कम कर देगी। रेलवे मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली बार दिल्ली से वाराणसी के बीच फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अभी तक इसमें कई सुधार किए गए हैं। मौजूदा समय में देश में 34 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास वाली ट्रेन को चलाया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस में ऐसी क्षमता है जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को पीछा छोड़ दे। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि यह अन्य ट्रेनों के मुकाबले जल्दी गंतव्य तक पहुंचाएगी। वहीं हवाई सफर करने वाले यात्रियों को भी आकर्षित कर सकती है। भाजपा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में परिवारवाद की आंच से बचने के लिए जतन कर रही है। पार्टी ने तय कर लिया कि जहां तक संभव होगा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद के बेटे, बेटी या रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। बेहद जरूरी हुआ तो भी केवल उसी स्थिति में टिकट देंगे जब दावेदार लगातार पार्टी में सक्रिय है और उसकी अपनी एक अलग पहचान है और सीट जीतने की स्थिति में हो। पार्टी का दावा है कि इसी आधार पर लालसोट से टिकट दिया गया है। बाकी सीट पर स्कैनिंग जारी है। पिछले चुनाव में पार्टी ने पुत्र रिश्तेदार को 15 टिकट दिए थे लेकिन 12 हार गए। पार्टी ज़्यादा सीट नहीं जीत पाई। उल्टा टिकट वितरण में परिवारवाद का ठप्पा लग गया। पार्टी के अंदरूनी रिपोर्ट में परिवारवाद से बचने की राय सामने आने के बाद
शीर्ष नेता इसी आधार पर प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद अब मिजोरम से भी इस तरह की मांग उठी है। हालांकि वहां मतदान की जगह मतगणना की तारीख में बदलाव की मांग की गई है। ईसाई बहुल मिजोरम में बीजेपी, कांग्रेस, सत्तारूढ़ एमएनएफ सहित मुख्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख में बदलाव किया जाए। इसी तरह की मांग जोरम पीपुल्स मूवमेंट और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने भी की है। राज्य के प्रमुख चर्चों के समूह मिजोरम कोहरान हुए टूटे कमेटी यानी एमकेएचसी ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर मतगणना की तारीख बदलने की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में एमकेएचसी ने कहा कि रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है। उस दिन सभी कस्बों और गांवों में पूजा सेवाएं आयोजित की जाती हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि मिजोरम में वोटों की गिनती की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। भाजपा ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतगणना की तारीख बदलने का आग्रह किया। पार्टी ने लेटर में बताया, रविवार ईसाइयों के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। यहाँ पूरे राज्य में चर्च सेवाओं के लिए समर्पित है, इसलिए तारीख में बदलाव जरूरी है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चर्च के साथ।